आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? देखो आई लव ब्लोज अप, पहले मुझे बंदा ले टर्न ऑफ फोर्स का ब्लोज अप करना पसंद है। आई लव डॉगी स्टाइल 69 मुझे चाहिए, वरना सेक्स अधूरा है, और उसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। तो आपको देना पसंद है या लेना पसंद है? दोनों, बहुत। आप सामने वाले को दो भी ले लो भी, टाइम को आगे बढ़ाओ, क्यों शॉर्ट कर रहे हो टाइम को? करेक्ट। सो जैसे कभी ऐसा हुआ है कि लाइक यू आर कहीं आप गई हुई हैं और अचानक से कोई लड़का देखा, आप उसको देख के अट्रैक्ट हो गई हो? मैं अभी लास्ट अभी मैं बीच में सिंगापुर ट्रैवल कर रही थी और मेरे से काफी एज में बड़ा था सामने वाला बंदा, तो मैंने फ्लाइट में एक बंदा मुझे काफी अच्छा लगा, आईज हॉट, मतलब आईज से मुझे सेक्स चढ़ता बंदे थी। okay. तो मैंने उससे फिंगरिंग करवाई, मैं जानती ही नहीं थी फ्लाइट में सिंगापुर। हाँ, तो मैं रात की फ्लाइट थी तो मैंने उससे फिंगरिंग करवाई। Awesome feel. मतलब मुझे पब्लिक प्लेस पे सेक्स करना पसंद है, मुझे रूम में सेक्स दुनिया करती है। आई लव पब्लिक प्लेस पे रोमांस करना, टेरेस हो या मतलब फ्लाइट हो, अलग अलग गाड़ी गाड़ी में हो या गाड़ी को जंगल में जाकर हो, मुझे इस तरीके से सेक्स करना पसंद है। तो ये जो फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस था वो ऑसम। उसके बाद आप उस आदमी के टच में हैं? मैं एक बार मिली उसको सिंगापुर में, फिर होटल में बुलाया, उसके बाद मुझे फील नहीं आया। मैंने बोला आई लव पब्लिक प्लेस में फील आता है, या मैं एक बार ले लूँ उसके बाद फील नहीं आया। उसकी उंगलियों में जादू था, उसके डिग में जादू नहीं। ओके, और इससे पहले मैं कभी फ्लाइट में किया और कोई पब्लिक प्लेसेस का एक्सपीरियंस? हाँ, मैंने बोला ना मैं पब्लिक प्लेस में आई लव गाड़ी में मुझे ब्लोज अप देना पसंद है, गाड़ी में सेक्स करो, फिंगरिंग, मास्टरबेशन, डिफरेंट यार, डिग तो दुनिया करती है, कुछ डिफरेंट करो एवरी टाइम। और फ्लाइट में उसके अलावा कभी ऐसे उसकी? हाँ, मैं करती रहती हूँ। मैंने बोला ना मैं नोटी हूँ, मुझे फील चाहिए, मैं कहीं भी जाऊँ टाइम पास ढूंढ लेती हूँ। अब बीचेस में कभी क्या? बीचेस में अभी नहीं, वो ट्राई करूँगी कोई अच्छा बंदा मिले तो। बीचेस अभी तो सिंगल घूमती हूँ बीच पे। सो अभी जैसे आप कैलकटा ट्रैवल कर रही हैं, कैलकटा में भी लोग काफी हॉट है क्या? मुझे ज्यादा साउथ इंडियन ज्यादा हॉट लगते हैं। ओके, तो साउथ कब जा रही है? कोई अच्छा बंदा मिलेगा जरूर, साउथ में ट्राई कर के आऊंगी। साउथ इंडियंस हॉट होते हैं। हां, वो हॉट होते हैं, बेड पे 10 ऑफ 10 होता है, स्टैमिना अच्छा होता है उनका। आपका कोई स्पेशल एक्सपीरियंस विद अ साउथ इंडियन गाय? हां, था एक्सपीरियंस अच्छा था, 10 ऑफ 10 था, वो भी मुझे अचानक रैंडम एयरपोर्ट पे मिला था। ओके, एयरपोर्ट मेरे लिए लकी है, मैंने बोला ना एयरपोर्ट पे मुझे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं मेरे टाइप के। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एयरपोर्ट पे स्पेंड करती है? हां, मैं ट्रैवल करती तो उसी में से ऑप्शन ढूंढ लेती हूं अपने लिए। तो आप पब्लिक को कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए, एंड देन उसके बाद वी वुड बी डन। हां, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर हम साथ में कंटिन्यू करेंगे, अभी मैं जा रही हूं। और कुछ पब्लिक को कहना है? यही, लड़कियों को, लड़कियों की कदर करो, और लड़कियां खुद सामने से देंगी, आप नहीं ले सकते उनकी। यस, सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यू अनम, एंड इट वाज जस्ट लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। एंड गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अनम से अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वेश्चन है आप प्लीज मुझे लिख भेजिए, आई विल गेट यू बैक, एंड देन अगेन हम इंटरव्यू करेंगे। चलो ओके गाइस, बाय बाय।